30 नवंबर का भारत के साथ बड़ा ही सुंदर नाता है। आइए 30 नवंबर की तारीख में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। वर्ष 2000 में आज ही के दिन भारत की एक बेटी ने दुनिया में सबसे सुंदर होने का खिताब अपने नाम कर लिया था और उस लड़की का नाम है प्रियंका चोपड़ा। आज ही के दिन 1874 में ब्रिटेन के राजनेता, लेखक और मुखर वक्ता सर विंस्टन चर्चिल का ऑक्सफोर्डशायर में जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1936 में आज ही के दिन लंदन का क्रिस्टल पैलेस आग से तबाह हो गया था। बता दें कि ये 1851 की द ग्रेट एग्जीबिशन का आयोजन स्थल था। साल 1939 में आज ही के दिन फिनलैंड पर सोवियत सेनाओं ने हमला किया था। दरअसल फिनलैंड ने तत्कालीन सोवियत संघ को अपने यहाँ नौसैनिक अड्डा बनाने और अन्य सुविधाएं देने से इनकार कर दिया था, जिसके एवज में ये आक्रमण हुआ था। 1965 में मशहूर राजनीतिक कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्ले ने दिल्ली में गुड़ियों के अनोखे संग्रहालय की स्थापना की थी। 500 गुड़िया के संग्रह से शुरू हुए इस संग्रहालय में आज दुनिया भर के विभिन्न देशों की हजारों गुड़िया हैं। 1966 में कैरेबियन के द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने ब्रिटेन से पूर्व स्वतंत्रता हासिल की थी। 2001 में अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर गैरी राइडवे को वॉशिंगटन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में 48 महिलाओं की हत्या का दोषी ठहराया गया। 2004 में बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 45% सीटों वाला विधेयक पारित हुआ था। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।